आखिरकार CISF के DG OP सिंह को रिलीव कर दिया गया। अब जल्द ही OP सिंह UP के DGP का प्रभार संभालेंगे। वो पूर्व DGP सुलखान सिंह की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2017 को खत्म हो गया था। केंद्र से रिलीविंग न मिलने के कारण उनकी ज्वाइनिंग में देरी हुई है। ये पहली बार है जब प्रदेश के DGP का पद इतने लंबे समय तक खाली रहा है। ओपी सिंह को DGP बनाए जाने को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार में कुछ मतभेद बताए जा रहे थे, जो अब दूर हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने ओपी सिंह को रिलीव करने का लेटर जारी कर दिया है। ओपी सिंह बिहार के गया जिले के मीरा बिघा गाँव के रहने वाले हैं। 1983 बैच के IPS ओम प्रकाश सिंह अब तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में DG पद पर तैनात थे। केंद्र और UP में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। ओपी सिंह को 1993 में बहादुरी के लिए इंडियन पुलिस मेडल, 1999 में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल और 2005 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। अल्मोड़ा, खीरी, बुलंदशहर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद में बतौर SSP काम कर चुके हैं। ओपी सिंह 3 बार लखनऊ के SSP रह चुके हैं, आजमगढ़ और मुरादाबाद के DIG व मेरठ जोन के IG भी रह चुके हैं। इनके पास CRPF का लंबा अनुभव है। वो दिल्ली में CISF के DG के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। 2 जून 1995 को अचानक उनका तबादला इलाहाबाद से लखनऊ किया गया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद हुए गेस्ट हाउस कांड के कारण उन्हें 2 दिन में ही सस्पेंड कर दिया गया। तीसरी बार BJP की कल्याण सिंह की सरकार में लखनऊ के SSP बने। 3 माह 9 दिन तक इस पद पर रहने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार निवारण संगठन भेज दिया गया। अब पद ग्रहण करने के बाद यूपी के नए DGP के तौर पर उनका कार्यकाल 30 जनवरी 2020 तक होगा। ऐसा सोचा जा रहा था कि यूपी सरकार DGP पद पर ऐसे IPS अफसर को नियुक्त करना चाहती थी जिसका कार्यकाल लंबा हो। ओपी सिंह का कार्यकाल 2020 तक है। शायद एक वजह यह भी है कि प्रदेश सरकार ने DGP के लिए उनका चयन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।